नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत के तत्वाधान में रविवार को शास्त्री चौक पर प्रतिबंधित पॉलीथीन की धड़ल्ले से हो रही बिक्री का विरोध किया। प्रदेश सरकार ने 50 माइक्रोन तक पॉलीथीन के थैले और थर्माकोल से बने बर्तनों को पूर्णतः बंद कर दिया है। इसके बावजूद बाजार में इनकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिसका विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के प्रयासों पर काम किया जाए। पॉलीथीन पर्यावरण को दूषित करता है, इसमें सबसे ज्यादा कमी सरकारी विभागों से है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विचार मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने कहा, प्रतिबंध लगाओ, मोदी योगी के सब लोग साकार करो, चीन पर रोक लगाओ, मोदी योगी के सब लोग साकार करो, चीन पर रोक लगाओ। हमारी मांग है कि सरकार जो योजनाएं जो प्रयास कर रही है उन पर काम किया जाए, जिसमें मुख्य है पॉलीथीन बंद करना, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमारा दूषित हो रहा है, समाज दूषित है हमारा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी है सरकारी विभाग से है, जबकि योगी जी ने 12 कार्यालयों को से आवंटित किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारा आह्वान है और मांग है उन सरकारी कर्मचारियों से कि योगी जी के आह्वान को कामयाब करने में सहयोग करें, अन्यथा हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध काम करेंगे। जहाँ तक देखा जाए अवेयरनेस की कुछ कमी लग रही है क्या? बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, लेकिन उसमें भी कमी हमारी सरकारी कार्यालयों की, सरकारी कर्मचारियों की है। जब तक वो आगे आकर काम नहीं करना चाहेंगे, जागरूकता नहीं लाई जा सकती। जागरूकता लाने का मतलब है कि पहले उन चीज़ों पे पाबंदियां लगाई जाए, दुकानों से पॉलीथीन हटाया जाए, ठेलों से पॉलीथीन हटाया जाए, उस पे पेनाल्टी लगाई जाए, कुछ योजनाएं इस तरह की बनाई जाए कि अगर जो भी पॉलीथीन यूज़ कर रहा है उस पे पेनाल्टी हो। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसे नियम हैं, कानून आए हैं कि जो भी पॉलीथीन यूज़ करेगा उस पे पेनाल्टी लगाई जाएगी।